हेलो नमस्कार मित्रों, मैं हूं आनंद पांडे। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने टेक चैनल आनंद नारा टेक्नो में। मित्रों, आज के वीडियो में हम बहुत ही बड़े मुद्दे पर बात करने वाले हैं कि पेटीएम एप्लीकेशन, जो भारत का सबसे बड़ा एप्लीकेशन माना जाता है यूपीआई के लिए, यानी कि पेमेंट के लिए सबसे ब्रांड माना जाता है, जेन्युइन माना जाता है, वह एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर ने अस्थायी रूप से हटा दिया है। जी हाँ मित्रों, यह बिल्कुल सच है। अभी अभी यह न्यूज आई है कि भारत में गूगल प्ले स्टोर से पेटीएम एप्लीकेशन को बिल्कुल अस्थायी रूप से हटा दिया गया है। अस्थायी रूप से हटाने का मतलब यह होता है मित्रों कि ये कुछ नियमों का उल्लंघन कर रही थी भारत में, जैसे कैसीनो वगैरह के लिए ये जो कुछ परमिशन दे रही थी, कुछ जो भी इसमें एक्सेजिंग रहा हो, कुछ ऐसी गड़बड़ियों की वजह से भारत में पेटीएम एप्लीकेशन को अस्थायी रूप से हटा दिया गया है प्ले स्टोर से। लेकिन आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका पेटीएम एप्लीकेशन पे आपका यूपीआई बना हुआ है, आपका आईडी बना हुआ है और आपके बैंक उसमें है, पासवर्ड वगैरह लगाए हुए हैं, तो आपको किसी भी प्रकार की नुकसान नहीं होने वाली है। इतना तो मैं तय कर देता हूँ, इसलिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अस्थायी रूप से हटाने का मतलब मित्रों ये है कि कुछ वजह से नियमों का उल्लंघन करने की वजह, जिनके वजह से ये थोड़ा सा नियमों का उल्लंघन किया है और इसी वजह से इसे अस्थायी रूप से हटा दी गया है। लेकिन अस्थायी का मतलब वो फिर ही जल्दी ही, वो दिन दो दिन, हफ्ते भर में, दस दिन में कभी भी वो वापसी कर सकता है। और आपका जैसे आपका एप्लीकेशन यूज कर रहे थे, जैसे आपका वहां पे अकाउंट बना हुआ था, सेम उसी तरह से आपको फिर से वापस मिल जाएगा। ये चीज तो तय है कि ये एप्लीकेशन बिल्कुल सही और ब्रांड माना जाता है। कुछ गड़बड़ियों की वजह से ऐसा हो सकता है कि अस्थायी रूप से हटाया गया है, लेकिन ये वापसी फिर से करेगा। लेकिन फिलहाल अभी का न्यूज यही है कि इस एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया गया है। तो मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।